व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती, ठीक है, और जो नित्य वस्तु है वो काल नहीं छेपती, और जो सर्वात्मा है सर्वरूप है वो वस्तु नहीं छेपती, हुआ या नहीं? गंभीर चीज है। कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे वैशेषिकों के, नैयायिकों के, सांख्यों के सिद्धांत के अनुसार इनके मत में आत्म तत्व व्यापक होता हुआ असंख्य है। कुछ गुरुदेव ने कहा कि नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है, जीव है, हमने कभी सुना नहीं था, हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा भगवान फिर एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का क्यों नहीं देती? नाखून के अग्रभाग में जब असंख्य जीव हैं, आत्मा हैं, तो एक आत्मा दूसरे को धक्का नहीं देती है क्या? महाराज खूब हंसे, जैसे बच्चे की टोतली वाणी सुन के हंसते हैं, और उन सबको भी हंसी आ गई जो पढ़ने वाले थे मेरे अलावा, वो सब तो विभागाध्यक्ष थे, अमुक 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 विभाग के अध्यक्ष ही प्राय महाराज से पढ़ते थे। पूज्य गुरुदेव खूब हंसे, का ठीक का, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती। एक दिन हमने इसकी व्याख्या यहाँ की थी, हमको संस्था चलाने का भी ज्ञान मिल गया इसी वाक्य से। अपना जीवन इतना प्रशस्त रखो कि कहीं जाओ जगह मत छेको, ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, हो गया जगह छेक लिया ना, आप टिक नहीं सकते, तो दूसरे को टिकने नहीं देना चाहता वो कहाँ टिकेगा। कुछ गुरुदेव ने कहा व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती, तो बात ठीक है ना, देशकृत परिच्छेद शून्य जो है उसी का नाम है ना व्यापक, जगह अगर छेक ले एक जगह बैठ जाए तो व्यापक कहाँ। ऐसे जो नित्य वस्तु है वो काल छेकेगा, छेकेगी क्या, एक ही काल में बैठ गई तो नित्य कैसे हो, तो नित्य वस्तु जो है वो काल नहीं छेकती, और जो सर्वात्मा है सर्वरूप है सर्वाधिष्ठान है वस्तु छेकेगा क्या, वस्तु छेकेगा तो एक वस्तु होकर रह जाएगा, हो गई ना बात। जो काल को छेकता है, देश को छेकता, स्थान को छेकता है, वस्तु को छेकता है, वो तो जीव हो गया ना। ब्रह्म का लक्षण क्या हुआ, जो काल को न छेके, देश को न छेके और वस्तु को न छेके, वो क्या हुआ, नित्य हुआ, विभु हुआ, और क्या हो गया, सर्वरूप हुआ, सर्वात्मा हुआ। उसका व्यक्तित्व कितना ऊंचा होगा, कितना ऊंचा होगा अवैसर राव जी, काल भी न छेके, देश भी न छेके और वस्तु भी न छेके, वो कितना होगा, वो तो नित्य होगा, विभु होगा और सर्वरूप सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा होगा, सर्व हो जाएगा। हम एक वस्तु बन जाएंगे तो सब कहाँ से रहेंगे। तो यहाँ समझना चाहिए कि योगी का जो ज्ञान है वो काल नहीं छेकता है, माने काल की सीमा में निबद्ध नहीं होता है, योगी का ज्ञान जो है काल की सीमा में निबद्ध नहीं होता और देश की सीमा में निबद्ध नहीं होता। इस देश का ज्ञान है, स्थल का ज्ञान है, स्थल का ज्ञान नहीं है, और वस्तु की सीमा में नहीं, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान नहीं है, माने सर्व विषयक, सर्व वस्तु विषयक, सर्व देश विषयक, सर्व काल विषयक योगी को ज्ञान होता है, ठीक हुआ। तो ईश्वर ही हो गया एक प्रकार से, ईश्वर मानो या ना मानो, आप लगा दो ईश्वर कल्प हो गया, लेकिन आपके यहाँ भी साधन सिद्ध व्यक्ति को भी ईश्वर कह देते हैं। बुद्ध जो हैं ईश्वर हैं या नहीं, जिन जो हैं ईश्वर हैं या नहीं, उनके यहाँ साधन सिद्ध होने पर भी ईश्वर के लक्षण ला करके उनमें चरितार्थ कर देते हैं। इस प्रकार से कहा भाई पूर्ण समर्थ, तो मान लीजिए युक्त योगी युंजान योगी दोनों का वर्णन कर दिया भगवान शंकराचार्य ने, जो युक्त योगी हैं युंजान योगी हैं उनकी दृष्टि का भविष्य घट भी वर्तमान के समान प्रत्यक्ष है या नहीं,
योगी किसको कहेंगे? युक्त और युजान, जिसके सामने भूत और भविष्य पदार्थ भी वर्तमान हो, यही ना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षातिरिक्त उसके यहाँ अनुमान आदि का विषय नहीं। भविष्य घट भी जिसके सामने प्रत्यक्ष, भूत घट भी जिसके सामने प्रत्यक्ष, वो कौन होगा? योगी। तो फिर आप भी तो योगी को मानते हो, योग सिद्धि को मानते हो, तो योग सिद्धि के बल पर बोलो ना कि भविष्य में जो घट होने वाला है वो भी योगी की दृष्टि का विषय है। तो कह दिया ना अंगिरा ऋषि ने, देखो पुत्र तो तुमको होगा लेकिन हर्ष भी देगा शोक भी देगा। तो जानते थे ना कि दुल्हन जब होगा तो मर जाएगा, पहले बता दिया नहीं, हर्ष भी देगा शोक भी देगा। यह हुआ योगिनाम चातीता नागत ज्ञान से सत्यत्वात् असंशयत् भवय भविष्य घट ऐश्वर्यम भविष्य घट विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम मिथ्या स्यात्। तब तो उनका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो मिथ्या माना जाएगा, क्योंकि भविष्य घट का भी तो ज्ञान उनको है, जो घट है ही नहीं इस समय, बना ही नहीं, वो घट भी उनके सामने क्या हुआ? प्रत्यक्ष ही है। देखें तीन काल निज ज्ञाना, तीनों काल में जो वस्तु है उसको प्रत्यक्ष देखते हैं, अर्थात उनके लिए उनके ज्ञान में कालकृत व्यवधान नहीं है। हमारे लिए जो भविष्य वस्तु है उनके लिए क्या है? वर्तमान वत है, प्रत्यक्ष ही उनके लिए है। प्रत्यक्ष वस्तु में जब अनुमान किया करते हैं तो बुद्धि को विशद बनाने की भावना से, क्योंकि वस्तु तो प्रत्यक्ष ही है, बुद्धि को विशद बनाने की भावना से पंचदशी में लिखा है, प्रत्यक्ष वस्तु को लेकर भी व्यक्ति तर्कणा शक्ति में अपनी बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए प्रत्यक्ष को लेकर भी अनुमान करते हैं, लेकिन अनुमान के द्वारा वहाँ अनुमान की जरूरत नहीं है, बुद्धि को विशद करने के लिए जो हमारे पास प्रत्यक्ष वस्तु है उसमें अनुमान का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी बुद्धि को और निपुण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ही है तो अनुमान की क्या जरूरत है? तो योगियों के लिए तो प्रत्यक्ष ही है, हमारे लिए अनुमान का विषय है ना। जैसे जो घट फूट गया वो भी बनने के पहले भविष्य घट था या नहीं, जो इस समय घट विद्यमान है वह बनने के पहले भविष्य घट था या नहीं, तो जो घट फूट गया वो भी तो कभी भविष्य घट था, और जो घट है वो भी तो कभी भविष्य घट था, इसलिए जो घट नहीं बना है वो भी भविष्य घट है या नहीं, अब हम अनुमान करेंगे ना। योगियों के लिए तो भूतकालिक घट भी सामने, वर्तमान काली घट भी सामने, भविष्य कालिक माने काल उनके ज्ञान में अवच्छेदक अवरोधक नहीं होता है। क्या हुआ? कालकृत व्यवधान नहीं होगा, तब तो वो कालज्ञ होंगे ना, त्रिकालज्ञ। सब जगह कौन रहेगा? जो एक जगह नहीं रहेगा, एक ही जगह रहेगा, सब जगह कैसे रहेगा? आकाश सब जगह कैसे है? तो आकाश सब जगह कैसे है? यहाँ भी है वहाँ भी नहीं, व्यापक है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है वहाँ भी है, और ये माइक यहीं क्यों है और जगह नहीं है? आकाश देशकृत परिच्छेद शून्य है ना, ऐसे भगवान वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। तो भगवत कोटि के जो महापुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? हर देश में हर काल में हर वस्तु के ज्ञान से संपन्न होते हैं। तब फिर पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज चुटकी लेते थे विनोद पूर्वक, अगर ईश्वर को सर्वज्ञ मानोगे तो हम तुमसे भी ज़्यादा विक्षिप्त होगा, एक दिन हमने कहा था, क्योंकि हम ही आपको अगर 50 जन्म का ज्ञान हो जाए अपना ही, इतनी वस्तुओं का ज्ञान है, उसी में तो हमारे आदित्य जी फोन से चिपके रहते हैं,
अब फक्कर है, घर में भी जाता दो चार दिन से नहीं रहता, जबकि विवाहित है, फक्कर है, लेकिन मोबाइल के नाम पर एकदम रमा रहता। इसका मतलब क्या हुआ, 10 20 और 50 व्यक्ति से परिचय है तब मोबाइल को पकड़े रहते, अगर लाखों व्यक्ति से परिचय हो तब सोने को भी मिलेगा। तो सब एक अंडाज विनोद में कहते थे, अरे भाई ईश्वर सर्वज्ञ है तो हमसे भी ज़्यादा विक्षिप्त होगा, समझ गए। इसलिए मान के चलो कि बिल्कुल ईश्वर और हंसाते थे यूँ कि मान के चलो, लेकिन जैसे सामान्य जो स्थित प्रज्ञ है, सामान्य वो भी जिस उसकी जानकारी का जितना विषय है, वो जानकारी का विषय होने पर भी उससे असंग है या नहीं, असंगो नहीं सज्जते, तो सर्वज्ञ होने पर भी स्वरूप वैभव के बल पर ईश्वर में वो जो सर्व विषयक विज्ञान है वो विक्षेप का आधान नहीं करता। क्या यही उत्तर हुआ या नहीं, सर्व विषयक विज्ञान ईश्वर में स्वरूप वैभव के बल पर, असंगता के बल पर विक्षेप का आधान नहीं करता। जैसे कि जो सामान्य तत्वज्ञ हैं, क्योंकि पंचदशी में लिखा है बहुत सी सिद्धियाँ ऐसी हैं जो तत्वज्ञ हो सकता है, कोई सिद्ध नहीं हो सकता, कोई सिद्ध हो सकता तत्वज्ञ नहीं हो सकता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है पंचदशी कारण का है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, ब्रह्म सिद्धि के लिए अलग साधन है, अमुक के मन की बात जान लूँ, अमुक के मन की बात जान लूँ उसके लिए अलग साधन है, उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने साधन नहीं किया, और जिसने उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधन किया उसने ब्रह्म विद्या का आलम्बन नहीं लिया। अब वो वशिष्ठादि की विशेषता क्या है, इधर भी सिद्ध हैं उधर भी सिद्ध हैं, ब्रह्म तत्व को भी जानते हैं और त्रिकालज्ञ भी हैं, एक ह्रास युग होता है बहुत समझने की बात है, जो बहुत पढ़ा लिखा लेते प्रवचन भी बढ़िया करते हैं प्रायः है। आजकल के ब्रह्मानंद जी सुन रहे हैं ना, बाहर से बोलें या ना बोलें उनकी भावना होती है, पढ़ाने वाला प्रवचन करने वाला बातूनी होते हो कोई सिद्ध नहीं होते, यही धारणा होती। एक व्यक्ति ने आके कहा स्वामी अखंडानंद जी कथावाचक हैं, सिद्ध अलग होता हमारा, कौन है सिद्ध, हमने ओ देवरा बाबा उन दिनों वृंदावन में ही यमुना पर रहते, सिद्धों का दर्शन आप कीजिए, हमने काम को सिद्धों से आँख मिचने दीजिए, हम तो स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं प्रवचन करते हैं। देवरा बाबा की निंदा में तात्पर्य नहीं है, अभी जो फैशन चला है जो बिल्कुल गुमसुम रहे यूँ यूँ कर दे वो सिद्ध है, आनंदमय माँ सिद्ध, क्योंकि बोलती ही नहीं थी कुछ, एक ही वाक्य उनका पैटर्न था, बाबूजी बाबाजी दादाजी पिताजी आप जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से ऐसी वाणी निकलती है, एक ही वाक्य में सामने वाला सोच लेता था माताजी ये जानती हैं कि मैं अन्नमय कोष से बोल रहा हूँ या प्राणमय कोष से, गोपीनाथ कविराज जी जैसे विद्वान शरणागत हो एक वाक्य पर ही, तो क्या निष्कर्ष निकला। लेकिन ये प्राचीन चीज़ है जो विद्या के विद्या वैभव से संपन्न, वही सिद्धि से भी संपन्न, वही ब्रह्म ज्ञान से है, वही योग संपदा से, क्या सनत कुमार इत्यादि को आप क्या कहेंगे, वो ज्ञानी नहीं है क्या, योगी नहीं है क्या, और वक्तव्य देने में समर्थ नहीं है क्या, उपदेशक नहीं है क्या। अब युग हो गया, विद्वान को अलग कर दिया और सिद्धों को अलग कर दिया, लेकिन ऋषियों की परंपरा यह है कि वो सिद्ध भी होते थे विद्वान भी होते थे। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव तक के लोगों की भावना यही थी, विद्वान भी हैं सिद्ध भी हैं। अब विद्या का विभाग अलग हो गया, सिद्धि का विभाग अलग हो गया, लेकिन आर्षभ प्रणाली में सिद्ध विद्वान होते थे, विद्वान सिद्ध होते थे। ये कहा वर्तमान में कोई काम कर रहा है वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, उसको पाप का फल भविष्य में मिलेगा, पुण्य का फल भविष्य में मिलेगा,
योगी चाहे तो जान सकता है, शास्त्र के बल पर भी व्यक्ति जान सकते हैं कि अमुक कर्म का ये फल मिलेगा। योगी दिव्य दृष्टि के बल पर जान सकता है, वो फल देने थोड़े आ गया योगी, उसको ज्ञान हो जाएगा कि नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, गधा बनेगा या ऊँट बनेगा या क्या बनेगा, गंधर्व बनेगा या देवता, उनको ज्ञान हो जाएगा। उस वो कहाँ जाएगा, उससे उनका क्या लेना देना। करने वाला अपना भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, उनको ज्ञान हो जाएगा कि भविष्य इसका ऐसा है। नहीं हुआ, दोनों का विभाग ही अलग अलग है। जो सर्वज्ञ है वो पाप पुण्य में क्यों फंसेगा क्या, और जो पाप पुण्य में फंसेगा उसको कहाँ पता आगे क्या होगा। इसीलिए सर्वज्ञ के पास उसकी सर्वज्ञता है, वो चाहे तो दूसरों के वर्तमान में जो शुभाशुभ कर्म है या भविष्य भूतकाल में जो उस व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म है, भविष्य में इसको क्या फल मिलेगा, वो चाहे तो जान सकता है। अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो है वो कोई गौण नहीं है। सचमुच में जो ईश्वर कल्प योगी होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, उनका जो प्रत्यक्ष है वो गौण रीति से नहीं है, प्रत्यक्षवत नहीं, सचमुच में प्रत्यक्ष ही है। चौथी पांचवी टिप्पणी, प्रत्यक्षम नापि चेतसस्य केनचित् प्रतिहन्यते अपविद्धाति एव तद्ज्ञानम् केन हन्यते, वार्तिक का प्रमाण है। नतिशय ज्ञान उनका होता है, इस प्रकार से उनके जो प्रत्यक्ष ज्ञान कोई गौण प्रयोग नहीं है। घट सद्भावे ही अनुमानम अवोचाम। अब कहते हैं कि भविष्य जो भूत का जो वर्त भविष्य घट है वो भी सत है, अर्थात भविष्य घट है वो भी पहले से ही विद्यमान है। तो इस समय वर्तमान घट है वो भी पहले से ही अपने कारण में विद्यमान था, और जो घट भंग हो गया वो भी उत्पत्ति के पहले मृतिका में विद्यमान था। इसके बारे में अनुमान का प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं। विप्रतिषेधात् च, ऐसा न मानो तो विप्रतिषेध की प्राप्ति होगी, विरोध की प्राप्ति होगी। कैसे विरोध की प्राप्ति होगी? अरे भाई, जब काल का प्रयोग करते हैं तो वस्तु के सद्भाव का द्योतक है या सद्भाव का? भूतकालिक घट जब हम कहेंगे भूत घट, तो घट का भाव सिद्ध हुआ या भाव? भावे न। वर्तमान घट कहेंगे तो घट का भाव है ही, भविष्य घट कहेंगे तो घट का भाव है ही, तो विरोध ही हो जाएगा अगर मानेंगे कि पहले से नहीं है तो संभव ही नहीं। यही कह रहे, यदि घटो भविष्यति इति कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु घटार्थं प्रमाणेन निश्चितम्। अब घट उत्पन्न होगा, कुंभकार आदि जो हैं उनके जो घट की प्राप्ति के अनुकूल व्यापार में प्रवृत्ति होगी या नहीं? तो वो कोई पागल होते हैं कि जिस सामग्री में घट है ही नहीं पहले से विद्यमान, उस सामग्री का आलंबन लेकर, उस विधा का आलंबन लेकर फिर उस सामग्री को घट तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हों, उनका प्रयत्न कभी निरर्थक जाता है? पहले भी तो उन्होंने सैकड़ों घट इसी तरह बनाया ना, भविष्य घट को ही उन्होंने वर्तमान का रूप दिया या नहीं? जितने वर्तमान में घट हैं, कुंभकार ने जब घट नहीं बनाया था तब सब के सब घट क्या थे? भविष्य घट थे या नहीं? और जो आजकल घट फूट गए वो भी कभी बनने के पहले भविष्य घट थे या नहीं? तो वर्तमान घट भी भविष्य घट की घाटी को पार करके ही तो वर्तमान हुआ है क्या?
भूतकाली घट भी भविष्य घट की घाटी को पार के ही तो बना फिर भंग हुआ। ऐसे ही भविष्य घट क्या करेगा, भविष्य वर्तमान बन जाएगा, आगे चलकर भविष्य घट ही तो वर्तमान बन जाएगा ना। तो घट के अस्तित्व का अपलाप कहाँ हुआ जी, घट का अस्तित्व का अपलाप नहीं हुआ। तो तीनों कालों में घट की विद्वानता हो गई। ये न च काले न घट से संबंध हो भविष्य इत्युच्यते तस्मिन् एव काले घटो सन्निति विप्रतिषिद्धम अभिधीयते। कहते ठीक है, इस समय अगर कोई कोई बोले भविष्य घट इस समय असत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या भविष्य घट इस समय असत है कहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, असत का अर्थ अभी अनुत्पन्न है, यही तो हुआ ना। असत बने बंध्या पुत्र के समान, इस समय विशेषण लगा दीजिए, जिस घट को बनना है। जैसे विचित्र उदाहरण देते हैं, आजकल के यांत्रिक विधा के अनुसार, आजकल के यांत्रिक विधा के अनुसार मालूम पड़ गया कि हाँ लाला है पेट में, तो किसी ने कहा कि पुत्र है अभी, तो क्या कहेंगे, बस बस दो महीने के बाद मैं पिता होने ही वाला हूँ क्या, दो महीने के बाद पत्नी सात महीने से गर्भवती है, पता चल गया कि घर में लाला ही है, दो महीने के बाद बस पुत्र का पिता या पुत्री का पिता होने ही वाला हूँ। ऐसे ही इसी प्रकार से प्रश्न उठता है कि अगर हम कहते हैं कि भविष्य घट इस समय नहीं है, इस समय तो मैं पुत्र युक्त नहीं हूँ, इस समय तो मैं पिता नहीं हूँ, बस दो महीने के बाद पिता होने ही वाला हूँ क्या, तो यह बात दोनों सत्य है या नहीं। इस समय पिता नहीं हूँ, बस दो महीने के बाद पिता होने ही वाला हूँ। किसी प्रकार इस समय जो घट बना नहीं है, भविष्य घट है, इस समय वह सत्य है नहीं है कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घट नहीं है ये नहीं बोल सकते। क्या घट नहीं है ये नहीं कह सकते, घट असत है ये नहीं कह सकते। लगा दो भविष्य काली घट वर्तमान में असत है, हमें कोई आपत्ति नहीं। असत है का मतलब अदृष्टिगोचर है। ऐसे भूतकाली घट था नहीं ये नहीं कह सकते, भूतकाली घट वर्तमान में हमारे दृष्टि से अदृष्टिगोचर है। घट का निषेध नहीं हो सकता, वर्तमान काल में घट को असत कह दो, कौन से घट को, जो घट अभी बना नहीं है, जिसके बनने की संभावना है, जिसके बनने के लिए उद्यम चल रहा है। भविष्यन ही सब जगह है, भविष्य नहीं है, भविष्यन माने होता हुआ ऐसा अर्थ लगाएंगे। भविष्यन घटो सन्निति न भविष्यति इत्यर्थ है। अब कहते हैं जो घट अभी बस बस बाबूजी बैठिए धैर्य धारण कीजिए, अब जलेबी छन के आपके पास आने ही वाली है, होता हुआ माने बस बस अब तो बस घट बनने की प्रक्रिया पूरी होने वाली, ऐसे हो ऐसे ही तो ठीक ही है, अभी नहीं है लेकिन बनने वाली है, बनने वाला है, वो आने ही वाला है, घट सम्मुख आने ही वाला। अयम घटो न वर्तते इत्यादवत, या घट नहीं है, या घट नहीं है, अयम घटो न वर्तते, ऐसा इसका मतलब हम घट का प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। अमुक काल में भविष्य घट जो है इस समय नहीं है, भूत घट जो था वो इस समय नहीं है, या जिस घट को यहाँ कल अभी दो मिनट पहले रखा गया था अब वह घट यहाँ नहीं है, उसको हमने कमरे में भेज दिया, तो अब यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है सब कुछ कह लो, लेकिन घट नहीं है, घट होता ही नहीं है, घट असत है ये नहीं कह सकते। विशेषण लगाना पड़ेगा, जो घट बनने जा रहा है, बनने ही वाला है, या भविष्य में बनने की स्थिति में है, वो घट वर्तमान में असत्य इस समय दृष्टिगोचर नहीं होता,
यहाँ भी असत्कार से दृष्टिगोचर न होना ही है, उसके अस्तित्व का सर्वथा अपलाप नहीं है।